भरभ शब शंका जरझा कले मन के अंदर, जरझा कले मन के अंदर तोहे दर्शन देंगे राम। कण कण में राम, मन मन में राम, तेरे मन में राम, मेरे मन में राम। सिंह द्वार से हम अंदर आ रहे हैं और अब हम मंदिर के मेन प्रांगण में आ गए हैं। तो आप नीचे फर्श दिखाइए जरा, कितने सुंदर तरीके से फर्श जो है ये मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम बात करें तो ये जो मार्बल्स है ना, ये राजस्थान से लाए गए हैं और बेहतरीन नकाशी इस पर की गई। और इसमें अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग है। और इस पर काम जो हुआ लास्ट 6 महीने में हुआ है, लग नहीं रहा है। युद्ध स्तर पर क्योंकि एक डेट थी 22 तारीख को, इसको पूरा करना था, प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो इसलिए इसको उस तरीके से तैयार किया गया। अब जरा नक्काशी में चाहूंगा आप अच्छे से दिखाएं, यानी अलग अलग डिजाइन। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी जल्दी ये काम पूर्ण हो जाएगा, लेकिन ये काम पूरा करके दिखाया गया है और श्रमिकों को आज बाकायदा फूल बरसाए हैं प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर। बिल्कुल, और ये फूल बरसाए, ये पहली बार नहीं बरसाए हैं फूल। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर जब बनाया हुआ था उस दौरान भी फूल बरसाए थे, लेकिन भावुक कितने हो गए थे प्रधानमंत्री जिस दौरान गर्भगृह में वो प्रधानमंत्री तो भावुक हुए। एक एक शख्स जो इस प्रोग्राम में आया था, इस आयोजन में आया था अमित, सबकी आंखों में आंसू थे। फिर वो चाहे अनूप जलोटा हो, वो चाहे रजनीकांत हो, चाहे अनुपम खेर हो, सबकी आंखों में, चाहे कोई भी, जितने भी वीवीआईपी आए थे, 8000 वीवीआईपी थे, सबके आंखों में आंसू थे। और प्रधानमंत्री ने तो अपने संबोधन में कई बार ऐसा लगा कि वो उनकी आंखों में आंसू हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। जरा जरा एक इम्पोर्टेंट चीज बात जो अपने दर्शकों को बता दे, पिलर्स को लेकर। पिलर्स देखिए जी, बिल्कुल, ये पिलर्स देखिए आप किस तरह से सुंदर तरीके से इनमें नक्काशी की गई है। और भगवान गणेश जरा दिखाइए। से जब आप एंटर करते हैं तो इस तरीके का पिलर्स मिलते हैं, और इस तरीके के एक पिलर में 16 प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये जो नकाशी की गई है ना, हम जिस तरीके से देखते हैं भव्यता से भगवान राम का मूर्ति का निर्माण हुआ, आप तो उनका प्राण डिटेलिंग में जाइए जरा। ये मूषक जो भगवान गणेश की सवारी है और साथ ही साथ शंख उनके हाथ में है, तो ये पूरी मूरत जैसे लगता है साक्षात उतार दी गई है। तो ये एक एक पिलर में कितना काम हुआ है ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये जरा द्वार दिखाइए, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे ये सोने के दरवाजे बने, सोने का। इस पर देखिए ये जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे बाहर से बनकर आए, और इस पर जो ये कलर चढ़ाया गया है ये यहीं पर चढ़ाया गया है। जिस दौरान ये दरवाजे बनकर आए थे और जब एंट्री हो रही थी राम मंदिर में, उस दौरान मैं यहीं पे था, ये हमारे सामने लाए गए थे। उस दौरान मुझे ये नहीं लग रहा था कि इतना खूबसूरत ये दरवाजा दिखेगा। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर, कल हमारे सहयोगी जो मौजूद थे वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आज देखिए अगर आप समझ सकते हैं जो अभी अरुण के साथ में लोग थे, जो रवि के साथ थे, वो गाना गा रहे हैं, बरसों बाद रामलला आए हैं, दर्शन क्यों ना करें, हम क्यों ना उनसे मिले, ये मिलने की लालसा है। इन लोगों ने बहुत साल इंतजार किया है और इसीलिए आज इतनी भीड़ है। आने वाले समय में आपको दिखेंगे कि भीड़ रेगुलराइज हो जाएगी, लेकिन आज इसीलिए ज्यादा भीड़ दिख रही है क्योंकि लोग पहले ही दिन दर्शन करना चाहते हैं। मोनिका का रुख करती हूँ। मोनिका, स्वाभाविक है इतनी भीड़ होना था, लेकिन मैं देख रही हूँ अब जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। बिल्कुल देखिए, और सपना ये कहीं ना कहीं इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि भक्तों की भीड़ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आज पहला दिन है और हर कोई जो भक्ति रस में डूबा हुआ है, वर्षों से इंतजार भी कर रहा था कि राम मंदिर बने, अब राम लला के दर्शन आज पहले दिन ही करना चाहते हैं। देखिए व्यवस्थाएं थोड़ी दुरुस्त जरूर होंगी, जैसे जैसे जो भीड़ है वो काबू हो जाएगी, लेकिन अभी जो सामने जो चेक पॉइंट्स हैं, वो जो 4 चेक पॉइंट्स नजर आ रहे हैं उनमें से दो को फिलहाल, 2 या 3 को बंद कर दिया गया है। अभी सिर्फ जो मेन एंट्रेंस है वहीं से एंट्री दी जा रही है। जो भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं कुछ दर्शन करने के बाद, वो हमें अभी ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं कुछ को बंद कर दिया गया है। अभी सिर्फ मेन एंट्री से जो है वो आपकी एंट्री हो पा रही है, लेकिन देखिए कुछ लोग तो राम धुन गाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो बच्चा भी आपको अगर भीड़ में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से वो छोटा सा बच्चा जो है वो राम धुन सुन रहा है, उसे नहीं पसी है कि कितनी भीड़ है, हम अंदर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, वो सिर्फ मग्न है। और देखिए मग्न क्यों ना हो, क्योंकि वर्षों का इंतजार लोग कर रहे थे। एक बार पीछे की भीड़ में दिखा दूं, देखिए पीछे की भीड़ देखिए कितनी बड़ी तादाद में, दिल रखने की जगह नहीं है, दिल रखने की जगह नहीं है।
कितने घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं, सुबह 3 बजे से लोग लाइनों में लगे हुए हैं, 3 से 4 बजे से, और वो चाहते हैं कि समस्या जितनी भी हो हम रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। भीड़ देखिए किस तरीके से एक दूसरे को धक्का देकर कर दिए गए हैं, कोई चेकिंग नहीं किसी तरीके की, आगे चेकिंग होगी। यहाँ भीड़ को मैनेज करने के लिए वो चेक पोस्ट एकदम खत्म कर दिए गए हैं। देखिए कैसे भीड़ आगे बढ़ रही है, अभी आप देख रहे थे कि वहाँ चेकिंग की जा रही है, लेकिन अब वो चेक पोस्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। और शायद ये तरीका है भीड़ को काबू करने का, क्योंकि यहाँ की भीड़ अगर खत्म होगी, ऐसा नहीं है मंदिर के अंदर जगह नहीं है, मंदिर के अंदर जो परकोटे तैयार किए गए थे वो यही सोचकर तैयार किए गए थे कि अगर भीड़ होगी तो हम आगे की तरफ जो है भीड़ को मूव करेंगे और तब मंदिर के अंदर एंटर करा देंगे, लेकिन यहाँ भीड़ ज्यादा होने के चलते आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अब ये चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए हैं, यहाँ की भीड़ को काबू कर लिया जाएगा और उसके बाद आगे एक एक करके सबको भेजा जाएगा। ये तरीका है, ये बदलाव आया है, हमने देखा है। रैपिड एक्शन फोर्स की वो तस्वीर दिखा दीजिए जरा किशन, ये चेन बनाई जा रही है। तो अब प्रशासन ने काबू करना शुरू कर दिया है, यहाँ पर हम एक्शन देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की वहाँ तैनाती की गई है। अरुण का रुक कर रहे हैं, अरुण चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए ताकि भीड़ आगे बढ़े और मंदिर के अंदर दाखिल हो, क्योंकि मंदिर के अंदर इतनी जगह है कि इतने लोग आ जाएं। देखिए सपना, बड़ी बात तो यह है कि 100 एकड़ के आसपास पूरी जमीन है और कल रात में हम लोग गए थे वहाँ पर, हजारों लोग एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग दर्शन करके आए जरा देखिए उनकी भावना। लड्डू तो नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिले, लेकिन फूल ही निकाल के लाए गर्भगृह से और इसी फूल को कह रहे हैं मंदिर में रखेंगे। एक बच्चा भी है, देखिए इसने भी फूल रखा है, इन्होंने भी फूल रखा है, फूल ही ले आए। जी जी गुरुदेव, वहाँ पे प्रभु राम प्रसाद तो नहीं लेके जा पाए, लेकिन वहाँ से गर्भगृह से हम फूल मिला है प्रभु राम की तरफ से हम। अच्छा जरा एक भजन सुना दो प्रभु श्री राम का। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। आप भी फूल लाए, कहाँ रखेंगे फूल को? ये हम अपनी बुक्स में और अपने जो भी ऑफिस का लैपटॉप है मंदिर है वहाँ पे रखेंगे एक एक पत्ते। आप कहाँ से हैं? मैं मंदिर से दर्शन करके आया हूँ। कहाँ से हैं? दिल्ली से। हम यहीं से हैं, अयोध्या से। अरे तब तो प्रभु आप बताइए, जो भीड़ देख रहे हैं और पहले के 90 से ही, हाँ बहुत 90 से ही है हम लोग, गोली कांड जब हुआ था मुलायम के जमाने। आज की भीड़ के बारे में बताओ। आज की भीड़ तो अपरंपार है, शुरू से अंत तक प्रचंड। 4 बजे लोग रात रात से लाइन लगा करके बैठे थे, पहला बेर के तो लोग 5 बजे से आए थे दर्शन करने के लिए, प्रचंड भीड़ है। लेकिन रवि हमारे साथ है, सुग्रीव किला जो दर्शन स्थल है वहाँ से। रवि जरा तस्वीरें दिखाइए, वहाँ कैसी तस्वीर है? अरुण मैं यहाँ पर एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अब ये जो भीड़ है वो कंट्रोल होती हुई थोड़ी थोड़ी दिख रही है। जब हम सुबह से दिखा रहे थे तमाम ऐसी जो तस्वीरें थी उस समय कोई ना लाइन थी ना कोई कतार थी, जो जिधर से ही हो सकता था वो वहीं से एंट्री कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अब थोड़ा सा मैनेज तरीके से भीड़ आपको दिख रही है, कतार भी दिख रही है, 2-3 कतार में लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन दर्शन तो हो ही जाएंगे। कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से। कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? हम सवेरे 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। तो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मोनिका के पास चलते हैं। मोनिका तस्वीरें दिखाएं, वहाँ पर क्या हो रहा है? देखो देखिए अब एक्शन नजर आ रहा है, एक्शन नजर आ रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है देखिए ये रस्सी लेकर अब सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये 2 या 3 रस्सियां जो है, ये चेन देखिए, ये ह्यूमन चेन, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर आ गए। और उधर भी देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो आ गए ग्राउंड जीरो पर। और ये देखिए ये रस्सी जो है इससे अब भीड़ को काबू किया जा रहा है। अब देखिए लेयरिंग की जा रही है कि इस रस्सी से आगे, इस दायरे से आगे आपको नहीं जाना है। और ये देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो आ गए। ये देखिए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आ चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से रोप जो है वो लगाया जा रहा है ताकि भीड़ जो है एक एक जगह व्यवस्थित हो। ऐसी जो ह्यूमन चेन रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तरफ से आगे भी बनाई गई है, यानी कि लेयर दर लेयर जो है अब भीड़ को काबू करने के लिए इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम भी देखिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो देखिए तमाम जो आला अफसर है, पुलिस अधिकारी वो भी आ रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि कहां वहां पर किस तरीके से सिचुएशन है। लेकिन अभी देखिए ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स जो है भीड़ को तितर बितर कर रही है।
रोप लगाए जा रहे हैं बीच में, ताकि जितने लोग पहले आगे खड़े हैं वो दर्शन कर ले और उसके बाद जितने लोग हैं वो बारी बारी दर्शन करें। सपना सपना आप क्या देख पा रही हूँ ऊपर से बताइए। मोनिका मोनिका मैं ये तस्वीर दिखाती हूँ, जरा ये देखिए यहाँ कैसे रैपिड एक्शन फोर्स जो है रोक रही है लोगों को। और अब यहाँ से मैं क्लियर व्यू देख सकती हूँ, अपने कैमरे के जरिए दिखा सकती हूँ, दूर तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। उधर मंदिर में देखिए अब किसी तरीके की कोई चेकिंग और इस तरीके से नहीं किया जा रहा है और आगे लोगों को जाने दिया जा रहा है। जो अरुण जानकारी दे रहे थे ना कि अंदर इतनी जगह है, ये देखिए सभी को अब अंदर जाने दिया जा रहा है। परकोटे के द्वारा होते हुए आप मेन मंदिर में दाखिल हो जाएंगे, सभी को अंदर आराम से अब जाने दिया जा रहा है ताकि भीड़ मैनेज हो।